और एक बार फिर से आपको लखनऊ ले चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, चुनावी कैंपेन की, और थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाना है। तस्वीरें आपको प्रदेश मुख्यालय की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और सुनते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा अभी क्या कुछ यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आज इस सभागार में अपने मीडिया प्रभारी आदरणीय मनीष जी, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हमारे बीच में अपने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सभी सम्मानित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी आज अपने से कार्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रचार अभियान को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि जगत प्रकाश नड्डा जी जहां बरेली में घर घर संपर्क अभियान करके प्रचार अभियान को गति देने जा रहे हैं, वहीं आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई माह से प्रचार के विभिन्न अभियानों को पूर्ण किया है। और मैं कह सकता हूं कि जन आशीर्वाद में जनता का आशीर्वाद मिला और जन विश्वास यात्रा में भी जन जन का अपार आशीर्वाद मिला। आज उसी कुहरी को बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूं कि आज हम एक नया संकल्प लेते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के लिए एक संकल्प लेते हुए आदरणीय मोदी जी, योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, गरीब कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया ही नहीं बल्कि कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे मंचस्थ नेतृत्व से मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का संकल्प लेते हुए हम प्रचार का एक अपना स्लोगन जारी करेंगे, सोच ईमानदार काम दमदार। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आज इसको उठा करके एक माननीय मीडिया के समक्ष हम इसको रखेंगे, अपना एक सोच ईमानदार काम दमदार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, सोच ईमानदार काम दमदार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। इसमें जोड़ता हूं यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मैं अपने मंच अतिथियों और सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार जरा टीवी की तरफ ध्यान करेंगे, हमने उत्तर प्रदेश को कैसे गरीब कल्याण के कौन कौन से कार्यों को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से आज हमने स्लोगन लेकर के आए हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय मंचस्थ, सोच ईमानदार गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बहु बेटी को सुरक्षा और अधिकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कर्ज माफी से किसानों के जीवन में सुधार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बिना भेदभाव भर्ती रोजगार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मुफ्त राशन गरीब के द्वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बेहतर सुरक्षा कानून व्यवस्था में सुधार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आयुष्मान भारत गरीब को मिल रहा मुफ्त उपचार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बंद किए वसूली के कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। चला बुलडोजर रुके अवैध कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार।
भारत माता की जय। सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मित्रों, आज ये नए स्लोगन भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है और मुझे पूरा विश्वास है जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत की पराकाष्ठा हमारे मंचस्थ नेतृत्व करने वाले हैं। मैं आग्रह करता हूं इस अवसर पर कि माननीय अध्यक्ष जी बटन दबा करके हमारा एक गीत का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं आग्रह करता हूं कि बटन दबा करके गीत का शुभारंभ करेंगे। सामने उसी बटन को दबाएंगे, गीत चलेगा वहां से। हाँ हाँ, प्रयागराज से मथुरा काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक, और अयोध्या से मिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में शंखनाद से। समय पर दी है ये मौका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। समय पर दी है ये मौका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, भाजपा सरकार से बीजेपी जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी सोच रही है मतदार, फिर से बीजेपी काम करती रही जो कमदार, फिर से बीजेपी निर्माण भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी निर्माण भाजपा सरकार, फिर से अभियान के शुभारंभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के एसएससी कर्मठ और जिसको मैं कहता हूं कि लगातार चरैवेति चरैवेति के मूल मंत्र को साकार करते हैं
ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें, माननीय पत्रकार बंधुओं को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राज्य के लोकप्रिय यशस्वी तेजस्वी उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित परमादरणीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा अभी उद्घाटन हुआ है मीडिया सेंटर का, हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो ये सबको सजा रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, ऐसे सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला जी, मीडिया के प्रभारी मनीष जी, उपस्थित सभी सम्मानित अपने पत्रकार बंधु, सभी लोगों को मैं इस अवसर पर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार 5 सालों में एक गरीबी यानी गरीबों की सरकार के रूप में एक पहचान बनी है। राज्य के अंदर पहली बार बनटांगिया मुसहर थारू जैसे जातियों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उनको भी राजस्व गांव में जोड़ना और पक्का मकान देने का किसी ने काम किया है आदरणीय योगी सरकार। राज्य के अंदर बहु बेटियों के सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुफ्त यानी सभी को शौचालय, उनके सम्मान के लिए बाहर में जाए घर घर शौचालय देने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार मुफ्त में बिजली कनेक्शन, जो ताऊ लोग खाट पर बैठकर पंखा दिन भर चलाते थे, बिजली भी नहीं आती थी, ये स्थिति रहती थी, थका हारा मजदूर घर भी जाता था तो बिना बीवी के सकल का भोजन कर नहीं पाता था, इतनी स्थिति दयनीय थी। राज्य के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री यानी योगी जी के बनने के बाद 24 घंटा लाइट, और जिनको कनेक्शन नहीं था बिजली का, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी के परिश्रम के कारण सभी घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय योगी सरकार ने किया। कोरोना जैसे महामारी में जहां राज्य के सभी नेता घरों में छिपे हुए थे, किसी गरीबों का पुरसा हाल नहीं थे, गरीबों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उस समय उस गरीबों के घर में राशन कैसे पहुंचेगा, वह गरीब भूख से न मरे, इसलिए गरीबों को आदरणीय मोदी सरकार, राज्य के आदरणीय योगी सरकार ने सभी गरीबों के राज्य के 15 करोड़ गरीबों के घर तक महीने में 2 बार राशन पहुंचाने का किसी ने काम किया है आदरणीय मोदी सरकार, योगी सरकार देने का काम किया है मित्रों। और घर घर सरकार ही नहीं, सरकार के साथ संगठन भी राशन का किट और भोजन का पैकेट भी, संगठन भी रात दिन परिश्रम किया, लेकिन कोई राजनीतिक दल सड़क पर नहीं दिखाई दिया। आयुष्मान भारत, गरीब से लोग मर जाते थे, बीमारी से मर जाते थे, उस गरीब का कोई पुरसा हाल नहीं रहता था, साहूकार से यदि रुपया ले लिया तो साहूकार को वापस करने में उसकी जिंदगी कई पीढ़ी निकल जाती थी, लेकिन मोदी सरकार और आदरणीय योगी जी के परिश्रम के कारण सभी गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने के किसी ने काम किया है तो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने किया है। 30,000 से ज्यादा पंचायत में, बुंदेलखंड में गीत गाती थी महिलाएं, मेरी गगरी फूट जाए, मेरा कसम मर जाए लेकिन गगरी न फूटे। आज बुंदेलखंड में और राज्य के अंदर 30,000 घरों में
स्वच्छ पानी नल के माध्यम से, नल से स्वच्छ जल, और ज्यादा पंचायत 30,000 पंचायतों में घर घर में पानी पहुंचाने का किसी ने काम किया मित्रों? केंद्र सरकार और राज्य सरकार योगी सरकार ने किया है, जो एक स्वच्छ पानी उस गरीब को पीने और जिसके कारण बीमारी से मुक्त होगा। धुआं मुक्त रसोई, रसोई की जब दिया मुक्त रसोई, गैस कनेक्शन, ये गैस कनेक्शन एक बड़े आदमियों का सम्मान था, सभी गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का किसी ने काम किया है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया मित्र। राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार, जन जन सर्व सर्वव्यापी के रूप में फैला था। योगी सरकार आने के बाद राज्य के अंदर गुंडागर्दी समाप्त हुआ, जो खुलेआम बेटियों को उठा ले जाते थे, स्कूटी छोड़ा लेते थे और कोई पुरस्कार नहीं रहता था। दरोगा यदि रिपोर्ट दर्ज कर लिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो शाम तक छूट जाता था, लखनऊ से फोन जाता था। आज मैं कह सकता मित्रों, आदरणीय योगी सरकार में 12 बजे रात में भी बेटी किसी रेस्टोरेंट से भोजन नाश्ता करके या विवाह से किसी विवाह समारोह से अपने घर जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई छेड़ेगा नहीं, यदि छेड़ेगा तो मरेगा, ये योगी सरकार है। ऐसी योगी सरकार है। आज गुंडागर्दी सिरे से कहा जाए, गुंडागर्दी राज्य के अंदर समाप्त है। कोई किसी बिल्डर को, पहले लखनऊ के अंदर रहता था, एक बिल्डर को फोन कर देते थे तो पूरा ठेका उस गुंडे के आदमी को देना पड़ता था, यदि नहीं दिया तो मरता था। आज किसी की हैसियत नहीं उस गुंडे उठे गए बिल्डर को कोई फोन करे और वो ठेका ना दे तो उसको कोई मार सकता है, कोई छू नहीं सकता, ये योगी सरकार है। भ्रष्टाचार, पहली बार राज्य के अंदर 5,00,000 नियुक्तियां हुई है, न जातिवाद न एक रुपया का रिश्वत। सपा शासन में आप लोगों ने देखा है कि सैफई खानदान आकर होटल में बैठ जाते थे और एक एक नियुक्तियां बेचते थे, लेकिन एक नियुक्तियां नहीं, एक नियुक्तियां में एक रुपया रिश्वत नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात रही, जो अति पिछड़ा है वह भी बड़े पैमाने पर, इस 5,00,000 नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर ये सभी को बराबर की नियुक्तियां मिली और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां मिली। 47,716 गुंडे गिरफ्तार हुए राज्य के अंदर, माफिया के अवैध कब्जे, जो जमीन कब्जा कर लेते थे उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का किसी ने काम किया था, योगी सरकार ने किया मित्रों। अब उस गरीब के जो कब्जा किया गुंडों से, उस पर अब गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का किसी ने काम किया है तो योगी सरकार। आज राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं और घूम सकती हैं, अपना व्यापार कर सकती हैं, दुकान में जा सकती हैं, शिक्षा पढ़ाने जा सकती हैं, कुछ भी, एक तरह का उनका पूरा सम्मान है योगी सरकार। बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के, मैं बताया, लाखों लोगों को नौकरी देने का किसी ने काम किया है योगी सरकार। इसलिए राज्य के अंदर 24 करोड़ प्रदेशवासी, सभी समाज के, सभी वर्गों के और सभी की इच्छा है किसी तरह राज्य के अंदर सुख शांति रहे और योगी सरकार पुनः आवे, फिर गरीबों की सेवा करने का मौका योगी सरकार को दिया जाए। इसलिए राज्य के सभी जनता जनार्दन तय कर चुकी है और जनता जनार्दन से, आपके माध्यम से जनता जनार्दन तय कर चुकी है और जनता राज्य के अंदर आएगी योगी सरकार और इसी तरह ईमानदारी से फिर से हम लोग काम करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज इस अवसर पर हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को संबोधित करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी के
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मीडिया कक्ष के शुभारंभ और आज यहां पर पार्टी के थीम सॉन्ग को लॉन्च करने के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, मीडिया प्रभारी श्री मनीष दीक्षित जी और उपस्थित मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रों, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। 9 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है उसमें देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और आज मतदान के प्रथम चरण का नामांकन का कार्यक्रम संपन्न होकर के दूसरे चरण के मतदान का कार्यक्रम भी शुभारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार सामग्री का आज शुभारंभ के साथ ही इस चुनाव प्रचार के लिए अपने थीम सॉन्ग को भी यहां पर अभी लॉन्च किया है। मैं सबसे पहले इस थीम सॉन्ग को प्रदेश और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार के योजनाओं को इस थीम सॉन्ग के साथ समाहित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को चुनाव में भी आम जन तक पहुंचाने के लिए उसे एक संगीत का स्वर देने वाले और उसका निर्देशन करने वाले इस पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करते हुए मित्रों, 5 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े थे, तब हम लोगों ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मार्ग से अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संकल्प लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी संकल्पों को पूरा किया जिन्हें 2017 में विधानसभा चुनाव के पूर्व हमारी पार्टी ने जनता के सामने वायदे के रूप में जनता के सामने एक संकल्प उस समय व्यक्त किया था। राष्ट्रवाद के मूल्यों पर बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वंशवादी और प्रदेश की परंपरागत जातिवादी राजनीति को खारिज करते हुए प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना में प्रदेश की सरकार ने न केवल अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके प्रदेश की आस्था को सम्मान दिया बल्कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी दिया। उत्तर प्रदेश ही कर सकता था कि जो दंगाई कभी
प्रदेश के शांति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका अवभगत करते थे। आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा करके, उन्हीं दंगाइयों के सार्वजनिक संपत्ति की वसूली की एक नजीर भी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है, जो कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द के लिए देश के अंदर एक नजीर बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया, ये सुरक्षा का ये माहौल प्रदेश में निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन माहौल देने का कार्य न केवल निवेश की दिशा से बल्कि प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को अपना ध्येय वाक्य मानते हुए प्रदेश सरकार ने कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपना मकान बनाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार में डबल इंजन की सरकार ने 45 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया है, 2,61,00,000 गरीबों को उनके घरों में शौचालय दिए हैं, 1,21,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य करते हुए 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं, 1,56,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं, 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है, 1 करोड़ वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 1,000 रुपए की पेंशन की राशि प्रतिमा यानी सालाना 12,000 रुपए की राशि देने की व्यवस्था भी किसी ने की है, तो यह डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 करोड़ लोगों को प्रतिमा डबल डोज राशन की सुविधा भी प्रदान करने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी, 1,61,00,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार, 60,00,000 एमएसएमई उद्यम से जुड़े हुए प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 36,000 करोड़ रुपए का 86,00,000 किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और यही नहीं, सपा बसपा फिर सपा की सरकारों में चीनी मिलें बंद होती थी, 1,000,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया भी वर्षों तक लंबित रहता था, आज 1,55,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी 5 साल के अंदर हमारी सरकार कर चुकी है। प्रोक्यूरमेंट के अंतर्गत अकेले इस वर्ष कोरोना कालखंड के बावजूद
55 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करते हुए 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में करने का कार्य भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। एमएसपी का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया और प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और जो माफिया सत्ता का सागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा था सो करके दिखाया, हमने जो कहा सो करके दिखाया। भारत की आस्था का सम्मान, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा निर्मल गंगा, भव्य और दिव्य कुंभ, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। और काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया, और यह तब किया जब सोच ईमानदार तो काम दमदार। ये काम दमदार जो प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे सके, न वंशवाद न जातिवाद, न मत और मजहब का वाद, न दंगा फसाद, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि, और सबको समृद्धि और सबको सुरक्षा का भाव पैदा करने का दम भी कोई भर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रदेश में आवश्यक है जिससे प्रदेश में कानून का राज हो। हिस्ट्री सीटर थाना न चलाएं, अपराधी सरकार न चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, पुष्टिकरण की राजनीति न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे की आपूर्ति होती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और उन्हें पूरा सम्मान भी मिल सके, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे फलते फूलते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिल सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की आवश्यकता है। और इसी भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ भी किया है, अपना थीम सॉन्ग भी यहां पे लॉन्च किया है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यों का लाभ और उस कार्य का के प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।